प्रोवाइड कर चुके अपने प्लेयर्स को कि यहाँ पे जो टीम है एक मौजूद है एंड सीआर के साथ एक अच्छा आर्ली एंगेजमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। नियो की बात करें, नियो को यहाँ पे डाउन किया जा चुका है, नियो के लिए मुश्किलें बढ़ता हुआ नजर आएगा एंड सीआर के जट बॉय यहाँ पे काफी बढ़िया एक नॉकआउट निकालते हुए नजर आएंगे। जोनाथन की बात करें, तैयार रहेंगे, UMB 45 है, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इसके साथ नॉकआउट निकालना, बट यहाँ पे जोनाथन है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है एंड जोनाथन यहाँ पे पहला नॉकआउट निकालते हुए नजर आएंगे। दूसरा को भी डाउन किया जा सकता है बट रीलोड आएगा, बट जोनाथन वन सेकंड टेकिंग डाउन अनदर गाय, बट इंस्टेंटली यहाँ पे नियो को भी रिवाइवल दिया जाएगा। जी गॉड एंड क्लच गॉड का एक अच्छा कवर फायर यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी गॉड की बात करें, यहाँ पे मिड रेंज के अंदर M16A4 का यहाँ पे जो इस्तेमाल है वो करते हुए नजर आएंगे, बट क्लच गॉड कमिंग अप विद स्कारल एंड वैम्पायर को यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है। सीआर की टीम बिल्कुल पलक झपकते यहाँ पे दिक्कतों के अंदर आते हुए नजर आएंगे एंड इनसाइक विजार्ड अब यहाँ पे आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम की तरफ से बचे हुए नजर आएगा। ओके सो दैट्स मार्क्स एन एलिमिनेशन फॉर द एंटायर टीम ऑफ टीम इंस्टैंक एंड बट टीम गॉडलाइक एक और बार आपको फाइट के अंदर आता हुआ नजर आएगा। बात करें यहाँ पे छठा फिनिश पॉइंट गॉडलाइक के पास आते हुए नजर आएंगे, बट वीर उनके सत्या वाइटी यहाँ पे कुछ सिंगल डैब्स के साथ नॉकआउट निकाल के जाएंगे। 15 टीम में सिंगल डैब है मिनी 14 का, वो यहाँ पे इनको डाउन करके जाएगा। साथ ही साथ स्वागत किया जाएगा उनका जोनाथन एंड नियो, तो नहीं यहाँ पे फिनिश ऑफ करके जाएंगे, बट टीम एक्स बार के स्काउट वहाँ पे काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज में एक और नॉकआउट निकालते हुए नजर आएंगे एंड बिल्कुल यहाँ पे जो फिनिश है वो उठाया जा रहा है। वीर वन के ऊपर भी दिक्कतें बढ़ सकता है, स्काउट ओपी कमिंग अप विद दैट M24 शॉट, कनेक्शन होता है यहाँ पे टांगू के ऊपर, ये कनेक्शन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। सेंटर ऑफ द सर्कल में काफी ज्यादा एंगेजमेंट होंगे, बट जली की बात करें तो यहाँ पे एक 1v1 का फाइट होगा एंड काफी बढ़िया तरीके से एक और किल यहाँ पे अपने आपका जो हेल्थ है वो जल्दी से जल्दी रिकवर करना पड़ेगा। जोनाथन मीनवाइल यहाँ पे हमें डाउन होता हुआ नजर आएगा। हिटमैन की बात करें तो यहाँ पे थ्रोएबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, हिटमैन काफी ज्यादा दूर रहेंगे, जोनाथन का ये फिनिश पॉइंट उठाना इंपॉर्टेंट, जोनाथन इज क्लोजर टू हिम एंड हिटमैन की बात करें वो संभव यहाँ पे अपना के साथ और भी ज्यादा ऊपर चढ़ने के प्रयास कर रहे हैं एंड ये वर्टिकल जो ड्राइविंग है ये कभी भी उतना ज्यादा आसान नहीं रहता, बट सेल ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट इस बार बचाना इनको काफी ज्यादा मुश्किल होगा एंड बिल्कुल क्लच गॉड वहां पे एक्सप्लोशन के चलते वो फिनिश पॉइंट उठाते हुए नजर आएंगे। इनको एंड टॉप डॉग दो खिलाड़ी बचे हैं नजर आ रहे हैं हमें टीम रेवेनेंट की तरफ से, बट बात करें यहां पे ऑरेंज रॉक एंड टीम अप्स एंड डाउन के साथ होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पे नीड आएगा प्रधान का जो स्काउट को कंप्लीटली गेम से बाहर करके जाएगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आदित्य के ऊपर प्रेशर आने वाला है, M249 यहाँ पे फायर किया जाएगा, बट नो दिस टाइम आदित्य गोज डाउन एंड पीछे से बैकअप फायर भी आता हुआ नजर आएगा, बट जली भी मुश्किलों के अंदर रहने वाला है बिकॉज जली का भी लोकेशन स्पॉटेड हो चुका है। वैक्सी की बात करें, वैक्सी को डाउन किया जाएगा, टीम ऑरेंज रॉक को बिल्कुल यहाँ पे बैकफुट में धकेला गया बाय टीम आजतक एंड लेट्स सी कितना वक्त सर्वाइव कर सकता है बिकॉज फिनिशर्स इनके नाम आ चुके हैं एंड दिस टाइम द ओपोनेंट प्रेशर सिचुएशन में फंसते हुए नजर आएंगे बिकॉज जो AKOP है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्लोजिंग कर चुका है। अगर बात करें औरंगोटन का तो उन्होंने भी यहाँ पे एक अच्छा प्रेशर क्रिएट किया, बट इंस्टेंटली जोनाथन जो है अपना रिफ्लेक्सेस दिखाएंगे एंड यहाँ पे ओजी के एश को डाउन किया जाएगा। ओजी अब यहाँ पे अपने दो खिलाड़ी को गवा चुके हैं, बट साथ ही साथ AKOP का लोकेशन अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, बट एश वहां पे फिनिश अप होते हुए नजर आएंगे, AKOP को स्पॉट किया जाएगा। एश टेक की तरफ से यहाँ पे शॉट्स आते हुए नजर आएंगे, गॉड लाइक क्लच गॉड की बात करें तो हाइट का यहाँ पे एडवांटेज उठाते हुए नजर आएंगे ये बंदा। जी बिल्कुल बट यहाँ पे जो पे बाल बाल बचते हुए नजर आएंगे, डॉट ईच में सर्वाइव कर रहा है जी गॉड की तरफ से, ये यू नो कवर फायर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट जी गॉड वहां पे नॉकआउट नहीं कर पाएंगे। ओजी के ड्रीगर वहां पे ऑलरेडी वो फ्लैंक पे मौजूद थे, बट वहां पे एक ही जोनाथन गेटिंग डाउन एंड दैट्स मार्क्स एन एलिमिनेशन फॉर टीम गॉडलाइक है। जी बिल्कुल अभी भी सर्कल के अंदर एंड इकलौता ये पेड़ का कवर उनको अभी तक यहाँ पे इस गेम में जीवित रखते हुए नजर आएंगे। जहां पे मिस्टर थ्री की बात करें, इनके पास विजन ज्यादा है, बट मिस्टर थ्री के ऊपर यहाँ पे अच्छा कनेक्शन आएगा एंड एज तक के मानव यहाँ पे एलिमिनेट करके जाएंगे।